हेलो स्टूडेंट, तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, तो ये लास्ट वीडियो होगा इस सेशन का, क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। तो हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने किया था इससे पहले वाले के अंदर, तो उसमें हमने एक 2017 का जो क्वेश्चन किया था, देखिए आप आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये 2017 का ही पेपर 2 का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ एन चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, नॉर्मली हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो हम उसको कभी भी मतलब एंट्रोपी की टर्म्स में, एंट्रोपी में जो चेंज है उसकी टर्म्स में हम नहीं देखते हैं। बड़ा ईजी है कंपेयर करना, आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, मैं उसका मतलब बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है, जो एंट्रोपी में जो चेंज पॉजिटिव होगा उसको हम कहेंगे फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी में चेंज अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है, तो रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो एक टाइप से डिक्रीज हो रही है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है उस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस टाइप से कुछ हमें जो हमारे रिलेशंस है उसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस सिस्टम इज पॉजिटिव। देखिए, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है, और सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कह रहा है पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसी रिएक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, है ना। इस रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा हायर टेम्परेचर पर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और ज्यादा होगी और ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका मतलब ये जो है हमारा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा फॉर दी, मतलब पहली बात तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए जो अगर डेल्टा एस जो पॉजिटिव है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा जी जो होगा वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, और डेल्टा एस ये कह रहे हैं कि सिस्टम का डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एंड मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिक्रीज हो ही नहीं सकता, एक्सोथर्मिक है ठीक है लेकिन फिर भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। बी ऑप्शन में देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो जो डिक्रीज है एंट्रोपी में वो अनफेवरेबल चेंज है। ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सिस्टम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो है वो डिक्रीज आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस ट्रू बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज जो है वो कम डिक्रीज हो रहा है। नाउ सी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। देखिए, डेल्टा एच कह रहा है पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस जो है वो कह रहा है नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल नेवर टेक्स प्लेस, सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल नेवर टेक्स प्लेस, है ना। तो उसका मतलब है फिर रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो फिर उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, ये बिल्कुल ठीक है, हम पढ़ते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो डिक्रीज होता है। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो फेवरेबल चेंज है, सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो
पॉजिटिव चेंज है वो कम होगा, तो इसलिए सिस्टम के एंट्रोपी में जो चेंज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होने लगेगा, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा और इसलिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो भी मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बताया है, तो इसके बेसिस पे जो करेक्ट ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं वो बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं। ए और सी को मैं रूल आउट कर रहा हूँ सिस्टम की एंट्रोपी के बेसिस पे। तो इसके आंसर्स को हम देख लेते हैं क्या है। तो ये बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर्स कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये 2018 के पेपर्स है और 2018 का पेपर वन का ये क्वेश्चन है। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज शोन बिलो। हियर पी वी एंड टी आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स क्यू डब्ल्यू एच एंड यू आर हीट वर्क एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली। करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो ये जो आपके पास में तीन प्रोसेसेस गिवन है, इन तीनों प्रोसेसेस के लिए जो वेरियस टाइप की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ए टू सी प्रोसेस है हमारा, ए टू सी प्रोसेस एक टाइप का आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप जो वेरियस टाइप की प्रॉपर्टीज है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेल्टा यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सी पी टी टू माइनस टी वन की हेल्प से। हम एन सी पी टी टू माइनस टी वन ए टू सी के लिए अगर हम देखेंगे, ए टू सी के लिए टी टू माइनस टी वन हम निकाल लेंगे। वर्क डन जो है ये हमारे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे, सॉरी ये ए टू सी मैंने गलत लिख दिया, ये ए टू सी जो है वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। सॉरी फॉर दिस टाइपो। सो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जो है आप जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू अगर देखेंगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसके बराबर हमारा क्यू हो जाएगा। तो डेल्टा यू ऑफ ए सी, क्यू ऑफ ए सी इक्वल्स टू ये सब ए टू सी वाला जो हमारा प्रोसेस है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और ये एन सी वी टी टू माइनस T1 ही आ जाएगा। तो ये हमने A to C के लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ A to B अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो A to B के अंदर देखिए कि टेम्परेचर आपका फिक्स है, तो टेम्परेचर फिक्स है तो ये आइसोथर्मल हो गया हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप देखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन जो होगा वो एनआरटी एलएन वी टू बाई वी वन हो जाएगा। और हीट एक्सचेंज जो होगा हमारे पास में, ठीक है, उसको भी हम एनआरटी एलएन वी टू बाई वी वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन इसका जो है हमारा बदल जाएगा। तो ये अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए टू बी जब हम जा रहे हैं तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, तो यहाँ पे हीट विल रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो ये क्यू हमारा आ जाएगा। तो ये हमने प्रोसेस ए टू बी देख लिया और ये ए टू सी देख लिया। अब बी टू सी को अगर हम देखते हैं तो बी टू सी अगर हम देखते हैं तो बी टू सी के अंदर हमारा प्रेशर सेम है, पी टू है, तो ये आइसोबेरिक हो गया। प्रेशर जो हमारा सेम है P2, तो ये आइसोबेरिक हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे BC की वैल्यू इन BC प्रोसेस, तो ये NCV T2 माइनस TV हो जाएगा, NCV T2 माइनस TV हो जाएगा, T2 माइनस T1। और चेंज इन एंथैल्पी अगर हम फाइंड आउट करेंगे BC प्रोसेस के अंदर, तो बीसी प्रोसेस के अंदर चेंज इन एंथैल्पी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो है हमारे पास में
एन सी पी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, टी टू इज ग्रेटर देन और वर्क डन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू बी सी, तो ये जो भी हमारे पास में एक टाइप से इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सो हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी और ये एंथैल्पी दोनों जो है हमारे पास में चेंज आ जाएगा, सो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में वी, फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर पी टू है हमारे पास में यहाँ पे, और ये वी वन माइनस वी टू हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम जो है V1 माइनस V2, और यहाँ से फिर हम Q की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये वेरियस प्रोसेसेस हैं आपके पास, इन प्रोसेसेस के अंदर ये हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, और इनको अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली हमें कुछ मैसेजेस क्लियरली नजर आ रहे हैं कि देखिए ये जो ए बी वाला जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी के अंदर जो वर्क डन निकाला है वो पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन निकाला है, तो ए बी के अंदर जो है वर्क डन हमने यहाँ पे एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन किया है, तो ये ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, ए ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं हो सकता, हम इसके बेसिस पे रूल आउट कर सकते हैं। नाउ बी सी को अगर हम देखेंगे तो वर्क डन हमारा ये ठीक आ रहा है, और क्यू ऑफ बी सी जो होगा वो डेल्टा एच ऑफ ए सी हो जाएगा, क्यू ऑफ बी सी हमने यहाँ पे जो है कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये Q ऑफ BC की वैल्यू को निकालोगे तो ये यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा H ऑफ BC, डेल्टा H ऑफ AC आएगा क्योंकि डेल्टा H ऑफ AC हमने निकाला NCP T2 माइनस T1, NCP T2 माइनस T1, और इसकी Q की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास में NCV T2 माइनस T1 आएगा, ठीक है, प्लस P2 V2 माइनस V1 माइनस V1, ये वाली जो वैल्यू हम लगाएंगे V1 माइनस V2, और फिर इसको सिंप्लीफाई जब आप कर लोगे तो एन सी वी को हम एन सी वी और R की वैल्यू सब्सिट्यूट करके इसको CP की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास में Q ऑफ BC जो होगा वो डेल्टा H ऑफ AC के बराबर आ जाएगा हमारे पास में पाथ फंक्शन के बेसिस पे, तो ये B ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सी ऑप्शन ये कह रहा है कि हमारे पास में क्यू ऑफ ए सी इक्वल्स टू डेल्टा यू ऑफ बी सी, सो क्यू ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ऑफ बी सी एन सी वी टी टू माइनस टी वन, तो ये हमारे पास में एन सी वी टी टू माइनस टी वन आ रहा है, तो ये करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन भी हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं करेक्ट है, और डेल्टा एच सी ए और डेल्टा यू ऑफ सी ए, डेल्टा एच ऑफ सी ए एंड डेल्टा यू ऑफ सी ए को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है डेल्टा एच ऑफ सी ए प्रोसेस का रिवर्स कर देंगे तो ये एन सी पी टी वन माइनस टी टू आ जाएगा, ये टी वन माइनस टी टू आ जाएगा एंड टी वन इज लोअर देन टी टू, टी वन इज लोअर देन टी टू वाला प्रोसेस आएगा, तो इसके बेसिस पे सी भी हमें जो है करेक्ट लग रहा है, और इस टाइप से यहाँ पे ये जो हमारे पास में Q ऑफ BC इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ AC, Q ऑफ BC हमने अभी यहाँ पे निकाला है इज इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ AC, तो ये NCP T2 माइनस T1 आ रहा है, तो ये Q ऑफ BC जो हमने निकाला है ये हमारे पास में इससे मैच नहीं करता नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक B करेक्टली मैच कर रहा है ये हमने देख लिया, और दूसरा C जो है वो हमारा करेक्टली मैच कर रहा है, D ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर T2 इज लेस देन T1 है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसका ऑफिशियल आंसर है नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका जो B और C जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि क्लोज्ड टैंक हैज टू कंपार्टमेंट्स A एंड B बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन एज्यूम टू बी आइडियल गैस, द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct heat but does not allow the gas to leak across, the volume in meter cube of the compartment A after the system attains equilibrium. तो ये यहाँ पे equilibrium attained हो रहा है और हमें इसका volume क्या होगा ये find out करना है।
तो देखिए ये हमारे पास में जो फिगर है, इस फिगर को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये जो है हमारे पास में एक पार्टीशन है, इंसुलेटेड है, ये हीट इंसुलेटर है। तो ये 1 m³ है, 5 bar प्रेशर है, 1 m³, 5 bar प्रेशर एंड 400 K है। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये 3 m³ है, 1 bar प्रेशर है और 300 K है। तो इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम इसका जो है वो हमारे पास में 4 m³ हो गया। अब इस फिगर के अंदर जो है ये जो है इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटेड पार्टीशन है। अब इसके अंदर जो है इसकी पोजीशंस जो है वो थोड़ी चेंज हो गई, ये यहां पे आ गया है और ये जो है वो कंडक्टिंग बन गया है टू हीट। ये ए है और ये बी है, ये यहां पे ए ही था हमारा और ये जो है वो बी था। सो क्रैक, इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस, सो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेंड्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि इस कंपार्टमेंट का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो वी होगा। तो इस कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो 4 - V हो जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है 4 m³ है। तो ये इसका अगर हमने वी मीटर क्यूब एज्यूम किया तो ये 4 - V m³ हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है, तो इक्विलिब्रियम जब अटेंड कर चुका है तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आएगा। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, आर वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहाँ पे जितना है उतना यही रहेगा क्योंकि ये पार्टीशन जो है वो डिफ्यूजन अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पी वी अपॉन एन आर टी से। तो ये जो इनिशियली प्रेशर था हमारे पास में 5 था और वॉल्यूम 1 m³ था और टेम्परेचर जो है वो 400 था, तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए ए के लिए। अब हम देख लेते हैं बी के जो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने होंगे। तो इसका प्रेशर 1 bar है और वॉल्यूम जो है वो 3 m³ है और टेम्परेचर जो है वो 300 K है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास में बी के। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, ये आर आर हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 3 - 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में 00 से 00 कैंसिल हो गया। तो क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 5/4 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास में है V और ये है 4 - V इज इक्वल्स टू 5/4। तो V इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 20 - 4V, 4V इज इक्वल्स टू 20 - 5V। तो ये यहाँ पे 9V इज इक्वल्स टू 20 हो गया, सो V इज इक्वल्स टू 20/9 ये वैल्यू आ जाती है। तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 20/9 जो है वो आंसर एक्सपेक्टेड इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये 2.22 जो है हमारा आंसर आ रहा है, 2.22 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, 2.22 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर है वो मेरे पास है नहीं, तो मेरे हिसाब से यही आंसर इसका एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट pH 3 इज y × 10⁻³ मोल्स पर लीटर, द वैल्यू ऑफ y इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज 2 × 10⁻¹० एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एच बी जो कि एक वीक एसिड है वो 1 × 10⁻¹⁸ है।
तो ये हमारे पास में कोई एक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक वीक एसिड है HB, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट pH इक्वल्स टू 3. तो ये कोई एक सोल्यूशन है हमारे पास में जिसकी pH 3 है और इसके अंदर हमने कोई भी एक सॉल्ट HAB जो है वो डिसॉल्व कर दिया. सॉल्ट AB इज डिसॉल्व. सॉल्ट AB जो है वो एक वीक एसिड का सॉल्ट है. इस वीक एसिड के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो इस AB को जैसे ही सॉल्यूशन में हम ड्रॉप करेंगे तो ये केटाइन A प्लस और एनाइन B माइनस में ब्रेक हो जाएगा और ये जो एनाइन B माइनस है वो H प्लस आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा. तो H प्लस आयन के साथ जब ये कंबाइन कर जाएगा तो वीक एसिड HB का फॉर्मेशन हो जाएगा. अगर इसके हमने इनिशियली A मोल्स पर लीटर अगर डिसॉल्व किए हैं और उसमें से इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मोल्स पर लीटर है तो ये S बनेगा और ये S बन जाएगा. अब इस S में से सपोज इसके X मोल्स अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये S माइनस X रह जाएगा और ये 10^-3 माइनस X हो जाएगा. pH इसका 3 है और ये X प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और अल्टरनेट तरीका, अब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस बना सकते हैं, ये इक्वेशन हो गया KSP इज इक्वल्स टू S इनटू S माइनस X और ये आ जाएगा 1/KA इज इक्वल्स टू X बाई S माइनस X इंटू 10^-3 X. और ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो X को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 10^-3 के रेस्पेक्ट में. या फिर दूसरा तरीका ये कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो AB इन सॉलिड फेज प्लस H प्लस आयन इन एक्वस फेज, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये बन जाएगा A प्लस इन एक्वस फेज प्लस HB इन एक्वस फेज. अब वापस से रीस्टार्ट करते हैं. ये A है, ये 10^-3 है और ये 0 और ये 0 है. अब एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ S मोल्स पर लीटर है तो ये 10^-3 माइनस S हो जाएगा और ये S आ जाएगा और ये S आ जाएगा. तो अब ये जो हमारे पास में रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड किया है. तो इस रिएक्शन का जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/KA है. तो ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस, तो इसको हम S स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारे पास में आ गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली हम 10^-3 ले लेते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है S की वैल्यू वो एक नेग्लिजिबल वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है. 10^-10 है ये अपॉन ये 1/10^-8 है तो ये 2/10^-2 टाइप का आ गया. तो S इज अ स्मॉल वैल्यू. तो अब हम यहाँ पे इसको S के लिए सॉल्व अगर करेंगे तो ये 2/10^-2/10^-3 हो जाएगा. सो 2/10^-5 आ गया ये. अब इसको सिंप्लीफाई करके ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं. तो y की S जो होगा 2/10^-5 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू y/10^-3 और y की वैल्यू को हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या होगा हमारा y. तो ये 4.47 × 10^-3 आ रहा है. 4.47 × 10^-3 आ रहा है. तो y हमारा जो हो गया वो 4.47 आंसर आ गया y. तो इसका आंसर हमारा यही है 4.47 × 10^-3. ऑफिशियल आंसर हमारे पास नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. नाउ फॉर ए रिएक्शन A इन इक्विलिब्रियम विद P द प्लॉट ऑफ concentration of A and concentration of P with time at temperature T1 and T2 are given below. तो A की concentration time के साथ different temperature पर कैसे vary कर रही है ये given है और P की concentration जो कि product है वो time के साथ
डिफरेंट टेम्परेचर पर कैसे वेरी कर रही है वो भी गिवन है यहाँ पे. तो हम इसको एनालाइज कर लेते हैं. इस एनालिसिस से हमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है. किसी भी मोमेंट पर अगर आप देखते हो, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 मोल्स पर लीटर से कम है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर देखते हैं तो 5 मोल्स पर लीटर से ज़्यादा है. तो ये एक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है. ग्राफिकल स्टडी है. सो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो वी कैन से इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. एक ये ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई. दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां पे और हमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि देखिए ये जो टेम्परेचर यहां पर है, टेम्परेचर के बारे में क्या कह रहा है देखते हैं. अगले स्टेप में कुछ अगर दिया हुआ है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर जो है ये कह रहा है T2 इज ग्रेटर देन T1. तो देखिए हायर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया है. हायर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया. तो ये इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट इक्विलिब्रियम एट T2 टेम्परेचर इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट इक्विलिब्रियम एट T1 टेम्परेचर. तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है. रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है. रिएक्शन शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. With increase in temperature, तो इसका मतलब है कि ये reaction कोई exothermic reaction है. So that is reaction is exothermic in nature. So exothermic reaction अगर हमारे पास में है तभी equilibrium constant की value जो है वो temperature के साथ decrease हो रही है. So K equilibrium at T1 is greater than K equilibrium at T2. तो अब यहां से जो है दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें ये मिल गई कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अगर हम इस रिएक्शन का देखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा. नाउ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि इसका डेल्टा जी नॉट जो होगा वो नेगेटिव ही होगा. बिकॉज डेल्टा जी नॉट जो किसी रिएक्शन का होता है माइनस RTLN के इक्विलिब्रियम होता है. तो ये हम यहाँ पे इसका डेल्टा एच जो है निकाल के देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी. तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, इसका इंटरप्रिटेशन जो है हमने लगा लिया है. और अब एंट्रोपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे क्योंकि गैस पार्टिकल जो है एक एक ही है. यहाँ पे ये गैस पार्टिकल है या क्या है कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे. तो अब हमें ऑप्शन चूज करना है. तो ये हमारे पास में आई थिंक एनफ इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं क्या होगा. अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ से और मिल रही है हमें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है डेल्टा जी नॉट टी वन. डेल्टा जी नॉट टी वन पर जो होगा हमारा इस रिलेशन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वो छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है. तो डेल्टा जी वन एट टी वन is less than delta z not at t2, वो छोटा हो गया हमारे पास. So delta z not t2 is greater than delta z not at t1. तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास में टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिक्रीज हो रही है. तो अब यहाँ पे जो ये रिलेशन होता है डेल्टा z not is equals to delta h not minus t delta s not, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई. ये तो नेगेटिव है ये. तो अब इसकी वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डेल्टा एस जो है वो भी नेगेटिव ही है और ज्यादा जो है ये वैल्यू बढ़ गई है. तो ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है. अब ऑप्शंस को हम देख लेते हैं. ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे सभी रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव दे रखी है, ठीक है. डेल्टा एच नॉट हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, सॉरी. तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा. ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ही होगा. तो ये हमें ए ऑप्शन को हमने चेक कर लिया कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ही होगा इसके बेसिस पे. और सभी के अंदर
डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो एक तो ये हमारा आएगा ही आएगा साथ में, और दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या सही हो सकता है, तो डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट आपने अगर पकड़ लिया तो दूसरा ऑप्शन में डेल्टा जी नॉट तो नेगेटिव होगा ही होगा, और डेल्टा एस नॉट को भी आप नेगेटिव ले लीजिए, दैट इज सी ऑप्शन ऑल्सो इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों हमारे इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, दोनों जो है वो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन है मेरा कि जब हम रिएक्शन जो है हमने ये तो स्टडी कर लिया रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो रहा है, मतलब रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि एंट्रोपी इसका जो है फेवरेबल नहीं होगा, एंट्रोपी जो है इसका फेवरेबल नहीं होगा, अदरवाइज तो क्या होता कि ये एंथैल्पी ड्रिवन भी होता और एंट्रोपी ड्रिवन भी होता, तो ये सिर्फ एंथैल्पी ड्रिवन है, एंट्रोपी ड्रिवन नहीं है, तो इसलिए एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस ओनली एट लोअर टेम्परेचर, कैन नॉट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, इफ अलाउड टू प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर देन मेनली रिमेन शिफ्टेड टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए इसका डेल्टा एस जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये सिंपल इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे, एग्जाम में हमें टाइप से रिलेट करने का समय ही नहीं मिलता, वैसे LNK T1 LNK T2 दे रखा है, T greater than T2 T1, तो ये जो भी आपके पास में फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में भी सब्सिट्यूट करके आप इंटरप्रेट कर सकते हो, बट क्लियरली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यही हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, N2 गैस वॉज पास्ड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर एट 1250 केल्विन, however the N2 gas contains 1 mole percent of water vapor as impurity, the water vapor oxidizes copper as per the reaction given below, to yahan pe jo hai water vapor copper heated copper jab water vapor ke contact mein aata hai to oxidize ho jata hai and this is the tarnishing of copper, ab isko hame prevent karna hai so that ki hame kya karna hoga ki is reaction ko backward direction mein shifted rakhna hoga, to hydrogen gas ka kuch na kuch ek partial pressure hoga hi hoga, उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर अगर हम रख देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन बार नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1250 के, वैल्यू ऑफ LnPH2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को हमें प्रिवेंट करना है, सो क्वेश्चन के अंदर दो रिएक्शंस गिवन है, पहली रिएक्शन हो गई कॉपर इन सॉलिड स्टेट प्लस हाफ O2 इन गैस स्टेट गिव्स Cu2O इन सॉलिड स्टेट, ये रिएक्शन नंबर 1 है, और दूसरी रिएक्शन जो है H2 इन गैस स्टेट प्लस हाफ O2 इन गैस स्टेट गिव्स H2O इन गैस स्टेट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 gives 2Cu in solid, अब इसको रिवर्स कर देंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलिमिनेट हो जाएगा और वाटर हमारा ये रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा और ये Cu2O in solid phase आ जाएगा एंड H2 in gas phase आ जाएगा। तो इस रिक्वायर्ड रिएक्शन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 का जो हमारे पास में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो इक्वेशन नंबर 1 का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज माइनस इक्वेशन नंबर 2 का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से हमें मिल सकता है। तो आइडिया ये है कि इस रिएक्शन का हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे और उसको के इक्विलिब्रियम से रिलेट कर लेंगे और के इक्विलिब्रियम जो होंगे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर से रिलेटेड रहेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा आइडिया है। तो डेल्टा जी नॉट 1 जो है हमारे पास में कॉपर का ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन के साथ, तो उसकी वैल्यू है -178000 -178000। तो ये सारा रिजल्ट जो है हमारा जूल के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्लियरली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 100,000 जूल पर मोल। तो इस रिएक्शन का हमारे पास में डेल्टा जी नॉट आ गया। नाउ जो डेल्टा जी नॉट है इस रिएक्शन का, डेल्टा जी नॉट 3 इस रिएक्शन का, दैट इज इक्वल्स टू -RT ln के इक्विलिब्रियम, और ये जो हमारे पास में -RT ln के इक्विलिब्रियम होगा दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर।
तो इसको हम माइनस आर टी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस माइनस एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास में सारी वैल्यूज आ जाएगी, इनकी वैल्यूज को हम सब्सिट्यूट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अगर फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है वन मूल परसेंट ऑफ वाटर वेपर जो है हमें गिवन है, वन मूल परसेंट। तो देखिए, अगर एक गैस मिक्सचर आइडियली अगर बिहेव कर रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो जो भी वॉल्यूम परसेंट होगा वही मूल परसेंट होगा, या जो मूल परसेंट है वही वॉल्यूम परसेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम वेपर ये वॉल्यूम अगर फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन गैस का, तो इस नाइट्रोजन गैस के अंदर हमारा वॉल्यूम जो है फिक्स रह जाएगा। तो वॉल्यूम अगर फिक्स रहेगा तो वेपर का जो वॉल्यूम है वही नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा, तो फिर प्रेशर जो है वो मोल्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इंटू टोटल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे ये वन मोल परसेंट है, तो वन मोल परसेंट हमारे पास में ये आ गया, और टोटल प्रेशर जो है ये कह रहा है कि वन बार है। तो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर आ गया 10 to the power minus 2 bar वाटर वेपर का प्रेशर आ गया। तो इसकी वैल्यू को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये। सो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी नॉट इसका हमें गिवन है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास में 100,000 by आर एच पर क्वेश्चन हमें लेना है 8 और टेम्परेचर हमें 1250 लेना है, सो इज इक्वल्स टू माइनस एल एन पी एच टू माइनस एल एन पी एच टू ओ। सो ये माइनस 100,000 अपॉन 8 इंटू 1250 इज इक्वल्स टू एल एन पी एच टू माइनस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास में ये आ रहा है एल एन 10 to the power minus 2 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एल एन पी एच टू माइनस 2 इंटू एल एन 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा, तो एल एन पी एच टू प्लस एल एन 10 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2.3 लेना है। तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये हमारा प्रेशर जो है वो कितना आएगा। सो एल एन पी एच टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और एल एन पी एच टू की वैल्यू जो हो जाएगी ये माइनस 100,000 अपॉन 8 बाय 1250, और ये हमारा माइनस हो जाएगा इधर आकर के। सो ये 4.6 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये जो है आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आंसर आपका क्या आ रहा है। तो ये माइनस 14.6 जो है हमारा रिजल्ट आ रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 14.6 एल एन पी एच टू की वैल्यू आ गई है। तो इजी सा क्वेश्चन है, बट रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा डरावना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस विथ वाटर आर गिवन इन लिस्ट 1। द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन एच प्लस आयन आर गिवन इन लिस्ट 2। मतलब हमारे पास में डिफरेंट डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस गिवन है, इन पे वाटर का डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर से डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा ये बताना है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज एज्यूम टू बी लेस देन 1 एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो एज्यूम टू बी लेस देन 1। एच प्लस आयन रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, तो स्क्वायर एच प्लस आइन स्क्वायर ब्रैकेट में जो एच प्लस आइन है रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन। सो एज ए केमिस्ट वी नो कि इसका इस सिंबल का मतलब क्या है। तो अब हमारे सामने ये ऑप्शंस आ गए, इन ऑप्शंस को देखिए कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में ऑप्शंस दे रखे हैं। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, और उनको हम रिलेट कर लेते हैं, और फिर चेक कर लेंगे कि हमारा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए।
तो देखिए पी के अंदर जो हमारे पास में है 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सोडियम एसिटेट प्लस वाटर बन जाएगा. ये हमारे पास में 10 × 0.1 मिली मोल्स हैं इसके और ये हमारे पास में 20 × 0.1 मिली मोल्स एसिटिक एसिड के हो गए. तो ये NaOH जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आफ्टर मिक्सिंग, ये जीरो हो जाएगा और ये 10 × 0.1 रिमेनिंग अमाउंट रहेगा और ये 10 × 0.1 बन जाएगा. ये इनिशियली जीरो एंड वाटर बहुत सारा अवेलेबल है. तो अब इस मिक्सचर को अगर हम देखेंगे तो ये मिक्सचर जो है हमारा एक टाइप से बफर सॉल्यूशन बन गया है. एक बफर सॉल्यूशन बन गया, एसिडिक बफर बन गया और बफर सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन और ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहां पे क्लियरली हम ये कहेंगे कि हमारे पास में जो न्यू एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन. न्यू एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन. तो ये पी का हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया. आप चेक कर लेंगे ये किस ऑप्शन में है. क्यू में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और इसको हम एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं. अगेन एज यूजल सोडियम एसिटेट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में 20 × 0.1 मिली मोल्स हो गए और एसिटिक एसिड जो है वो भी 20 × 0.1 मिली मोल्स हो जाएंगे. दोनों के मिली मोल सेम है तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और ये हमारे पास में 20 × 0.1 मिली मोल्स इसके फॉर्म हो जाएंगे. सो अब ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन के अंदर बन गया सॉल्ट मेटोपॉप वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहां पे हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना होगा और इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन में जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाइड्रोलिसिस से आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पे जैसे सपोज मैं आइडिया देता हूं कि क्या करने जा रहे हैं हम. ये हमारे पास में सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटेट आइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड और ये OH माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा. इस रिएक्शन का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ C है, ये हाइड्रोलाइज हो गया C × 1 - H रह जाएगा, नेग्लिजिबल अमाउंट से आएगा ये और ये CH हो जाएगा. फिर हम H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे तो H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो KW अपॉन OH आइन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और OH आइन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो KW × KW/KA हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास में H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, इसका इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो मैंने OH माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया और ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा हमारे पास में एसिटेट आइन का. तो ये सी एच का होल स्क्वायर हो गया अपॉन C × 1 - H हो गया. तो यहाँ पे इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सी एच का होल स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा. तो ये एक आपका जो है यहाँ पे कैंसिल होकर के सी सी सिंपल सा क्या रह जाएगा, सी एच स्क्वायर रह जाएगा. एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में और फिर यहाँ पे OH आइन की कॉन्सेंट्रेशन सी एच पुट अप कर दोगे तो रिजल्ट जो है बेसिकली यहाँ पर निकलेगा हमारा कि एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो अंडर रूट KW KA/C आ जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो हमने कितना कर दिया, 80 ml कर दिया. देखिए टोटल वॉल्यूम हमारे पास में जो है इनिशियली ये 20 ml था और ये भी हमने 20 ml मिक्सअप कर दिया. तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 40 ml है, 40 ml सोल्यूशन है ये.
अब इस 40 ml सॉल्यूशन को हम 80 ml सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम डबल हो गया है, तो वॉल्यूम डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास में न्यू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा के डब्ल्यू के ए बाई सी बाई टू, वॉल्यूम बिकम डबल सो कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ, वॉल्यूम डबल हो गया 80 ml कर दिया 40 ml का, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगा। सो अब हम निकाल लेते हैं कि जो हमारा न्यू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में क्या होगा। तो न्यू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो आ गया है वो के डब्ल्यू इंटू के ए इंटू टू अपॉन सी हो गया ये, और जो हमारे पास में प्रीवियस H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है के डब्ल्यू इंटू के बाई सी है, तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये रूट टू हो जाएगा। सो न्यू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन बिकम रूट टू टाइम्स ऑफ इनिशियल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ R ऑप्शन के अंदर अगर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। R ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो R ऑप्शन के अंदर जो है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद अमोनिया टू फॉर्म NH4Cl। सो 20 इंटू 0.1 और ये भी हमारे पास में 20 इंटू 0.1 ही है, तो सेम मिलीमोल से दोनों को मिक्स करने से ये हमारे पास में 20 इंटू 0.1 मिलीमोल्स बन जाएंगे, और ये जो है वो भी एक सॉल्ट है, तो यहां पर भी हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही कंसिडर करना होगा। एंड दिस इज अ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके इसमें जब आप H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे जो H प्लस आइन का हमारा एक्सप्रेशन होगा वो के डब्ल्यू इंटू सी बाई के भी आ जाएगा, और यहां पर भी जो हमारा वॉल्यूम 20 ml इसका है, 20 ml इसका है, 40 ml है, और इसको भी हम 80 ml कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। तो ये जो न्यू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है वो हो जाएगा हमारे पास में के डब्ल्यू इंटू सी बाई टू, वॉल्यूम डबल हो गया ये के भी होगा। तो अब यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है मैं वो यहां पर ये दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू कॉन्सेंट्रेशन जो होगी H प्लस आइन की अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा H प्लस आइन का वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आइन का और ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आइन का, तो ये यहां पे हमें न्यू एच प्लस इनिशियल H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन को पुट अप कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास में। और S ऑप्शन जो है हमें कह रहा है कि ये हमारे पास में निकल हाइड्रोक्साइड का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो निकल हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो यहां पे ये हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो जितना हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा ये S सॉल्युबिलिटी होगी इसकी और ये 2S हो जाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अब इसके अंदर अगर वाटर डाल देते हैं, और एक और यहां पे लिखा हुआ है कि सॉलिड NaOH होल ट्वाइस इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर डाइल्यूशन, तो इसका मतलब है कि ये डाइल्यूशन करने के बाद में और सैचुरेट हो जाएगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसलिए इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है डाइल्यूशन से तो अफेक्ट करेगी नहीं, डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या मैच कर रहे हैं। तो जो हमारा इनिशियल है पी, उसके अंदर हमने ये देखा है कि पी जो है हमारा मैच करेगा द वैल्यू ऑफ एच प्लस आइन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, तो पी जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। और क्यू के अंदर हमने ये देखा है कि हमारा जो एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रूट टू टाइम्स हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ H प्लस आइन चेंज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन डाइल्यूशन, हाफ तो कहीं नहीं हो रहा है। द वैल्यू ऑफ H प्लस आइन चेंज टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन डाइल्यूशन, द वैल्यू ऑफ H प्लस आइन चेंजेस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ H प्लस आइन चेंजेस टू √2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन डाइल्यूशन। तो ये Q के लिए फिफ्थ जो है मैच कर रहा है, Q के लिए फिफ्थ जो है मैच कर रहा है। और S के लिए अगर हम देखेंगे तो S हमारा ये वाला था, तो इसमें ये 1/√2 टाइम्स हो गया, तो S के लिए 4 जो है मैच कर रहा है।
सॉरी आर के लिए फोर मैच कर रहा है, क्या हो रहा है, आर ये था हमारा, आर था ये। एस के लिए तो हमने डायरेक्टली कहा है कि ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाइल्यूशन के साथ वैरी नहीं करेगी, तो वो सॉलिड जब तक रहेगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनेगा और हमेशा सेम भी सॉल्युबिलिटी उनकी आएगी। तो ये यहां पर भी हमारे पास में वन ही आएगा, नो चेंज इन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास में है या नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इससे मैच कर रहा है, वैलिड है। तो इस टाइप से ये हमने देखा है कि पी के अंदर हमारा वन आना चाहिए, पी के अंदर वन दो ऑप्शन में दे रखा है सी एंड डी के अंदर, क्यू के अंदर फाइव आना चाहिए और वो क्यू के अंदर फाइव जो है हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी ऑप्शन में, तो आंसर हमारा डी हो गया। आर के लिए फोर है ठीक है, और एस के लिए जो है वन आ गया, तो ये इसी से हमारा जो है वो आंसर कंफर्म हो जाता है, इसका हमने आंसर ये कर लिया। तो ये इस टाइप से जो है हमने जेई 2007 से लेकर के जेई 2018 तक के जो वेरियस क्वेश्चन पेपर्स है उसमें क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका हमने डिस्कशन किया। आई होप इससे आपको कुछ एडवांटेज मिला होगा। डेफिनेटली आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करोगे इसको देख करके, और ये देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह केमिकल इक्विलिब्रियम इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं उनको इसी ऑर्डर में चलेंगे हम, कि ऑर्गेनिक करेंगे फिर इनऑर्गेनिक करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री फिर हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।